नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं निखिल सोलंकी, कॉमर्स फैकल्टी FR, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव। विद्यार्थी मित्रों, ये वीडियो में MSU की लाइब्रेरी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस दिखाने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। तो MSU की लाइब्रेरी रजिस्ट्रेशन के लिए, लाइब्रेरी कार्ड के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और हंसा मेहता लाइब्रेरी रजिस्ट्रेशन टाइप करके सर्च करना है। तो हंसा मेहता लाइब्रेरी रजिस्ट्रेशन टाइप करके आप सर्च करोगे तो पहली वेबसाइट आ जाएगी, smt.hansamehtalibrary। उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कैसा पेज आ जाएगा, जिसमें आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो ऑनलाइन लाइब्रेरी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है। तो ऑनलाइन लाइब्रेरी रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। ऑनलाइन लाइब्रेरी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप फ़ोन के अंदर ट्राई करोगे तो फ़ोन के अंदर आपको लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है हियर टू गेट मेंबरशिप एंट्री फॉर्म, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो ऊपर वाले पर क्लिक करना है, और अगर रिन्यू करना है तो नीचे लिखा गया है हियर टू एडिट मेंबरशिप एंट्री फॉर्म, एडिट करना हो तो नीचे वाला ऑप्शन, और पहली बार फर्स्ट टाइम आप ट्राई कर रहे हो तो हियर टू गेट मेंबरशिप एंट्री फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो जैसे कि मैंने बोला कि फ़ोन के अंदर आप ट्राई करोगे तो लेफ्ट साइड पर क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपको यहाँ पर शो नहीं करेगी। तो उसके लिए मैं लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज़ करने के लिए बोलूँगा कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर ट्राई करोगे तो उसके अंदर आपको आपका फॉर्म क्लियर दिखेगा, फ़ोन के अंदर लेफ्ट साइड पे कौन सी डिटेल है वो आपको नहीं दिखेगी। तो लैपटॉप या कंप्यूटर का ही यूज़ करें लाइब्रेरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए। तो मैं लैपटॉप के अंदर आपको दिखा देता हूँ। विद्यार्थी मित्रों, मैंने जैसे बोला आप लैपटॉप के कंप्यूटर का यूज़ करोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर दिखेगी जो फ़ोन के अंदर लेफ्ट साइड पर नहीं दिख रही। तो यहाँ पे पहले कैटेगरी का ऑप्शन है, तो कैटेगरी में अगर आप FISY TY बीकॉम के अंदर हो तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट रेगुलर का ऑप्शन दिया जाएगा। MCOM के स्टूडेंट हो तो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का भी ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर इंस्टीट्यूट में आप पादरा के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे MK अमीन आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज का ऑप्शन दिया जाएगा। मेन यूनिट और गर्ल्स का ना हो तो आप यहाँ पे अदर्स का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मेन बिल्डिंग और गर्ल्स बिल्डिंग का अलग अलग ऑप्शन नहीं है, पर यहाँ पे फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का ऑप्शन दिया गया है तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स पर आप सिलेक्ट कर सकते हो, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। फिर डिपार्टमेंट में आप सिलेक्ट करोगे तो डिपार्टमेंट आप मैं फर्स्ट ईयर के लिए तो कोई डिपार्टमेंट नहीं होता, जनरल BCOM का ऑप्शन दिया गया है उस पर आपको क्लिक करना है। फिर कोर्स का तो अंडर ग्रेजुएट का, आपको BCOM कर रहे हो FISY TY के अंदर हो तो अंडर ग्रेजुएट, और MCOM के अंदर हो तो पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद तो सारी इन्फॉर्मेशन सिंपल दी गई है, जिसमें आपको आपका सरनेम टाइप करना है। और मैं एक बात खास बता दूं कि जो इन्फॉर्मेशन के बाजू में रेड कलर का स्टार दिया गया है वो इन्फॉर्मेशन आपको कंपलसरी फिलअप करनी रहेगी। जो इन्फॉर्मेशन के बाजू में रेड स्टार दिया गया है वो आपको कंपलसरी फिलअप करना रहेगा। फिर जेंडर का ऑप्शन दिया गया है, बर्थ डेट का ऑप्शन दिया गया है। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका परमानेंट एड्रेस, सिटी, ईमेल, फ़ोन नंबर। फिर ये ऊपर की सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना रहेगा चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद। फिर सिग्नेचर आई ब्लैंक पेज के अंदर सिग्नेचर करके आपको वो भी अपलोड करना रहेगा। और फिर रिसीप, आपने जो फीस पेमेंट करी है उसकी रिसीप भी आपको यहाँ पे अपलोड करनी रहेगी। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको वो शो करेगा। और फिर लास्ट में आपको क्या करना है तो सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा ऑनलाइन वाला, उसकी प्रिंट निकालनी है। उसकी प्रिंट निकालने के बाद आपको क्या करना है, उसकी प्रिंट, आपकी फी रिसिप की जेरोक्स, आपका एक फ़ोटो ID, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और ₹50 लेके आपको हंसा मेहता लाइब्रेरी पे जाना है, और वहाँ से आपका लाइब्रेरी कार्ड निकल जाएगा, जिसका टाइमिंग है मंडे टू फ्राइडे 11 से 2 बजे के बीच में, और 3 से 5 बजे के बीच में हंसा मेहता लाइब्रेरी पर जाना है। फिर से एक बार, 11 से 2 बजे के बीच में और 3 से 5 बजे के बीच में मंडे टू फ्राइडे हंसा मेहता लाइब्रेरी, सैटरडे और संडे ये प्रोसेस बंद रहती है। और एक बात मैं बता दूं कि अगर किसी ने लाइब्रेरी रजिस्ट्रेशन पहले निकाला हुआ है तो रिन्यू करने के लिए भी यही सेम प्रोसेस है। रिन्यू करने के लिए आपका पुराना लाइब्रेरी रजिस्ट्रेशन लाइब्रेरी कार्ड, एक आपकी फी रिसिप, फ़ोटो और ₹50 लेके आपको हंसा मेहता लाइब्रेरी पे जाना है। और एक बात, जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर है, और एक बात कि जो स्टूडेंट
फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर है उनको क्या करना है, उनको लाइब्रेरी रजिस्ट्रेशन के लिए तो हंसा मेहता लाइब्रेरी पर जाना है लाइब्रेरी कार्ड के लिए, और वो कार्ड निकाल के आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर मेमोरियल लाइब्रेरी के अंदर बैठने के लिए मिलेगा। और जब आप थर्ड ईयर में आ जाओगे, थर्ड ईयर बीकॉम या एमकॉम कर रहे होंगे, तो आपको हंसा मेहता लाइब्रेरी पर बैठने के लिए मिलेगा। तो ये प्रोसेस थी। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम पेज ये है MSUFR निखिल सोलंकी, वो आप फॉलो कर सकते हो, जिसके ऊपर आपको सारी इन्फॉर्मेशन सारी अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। मैं निखिल सोलंकी, कॉमर्स फैकल्टी FR फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव। थैंक्स।